हेलो स्टूडेंट्स हाउ आर यू ऑल आज हम यूनिट टू स्टार्ट करेंगे डाटा एंट्री एंड कीबोर्ड स्किल्स कीबोर्ड स्किल्स क्या होता है देखो कीबोर्ड इज़ द मोस्ट कॉमन टेक्स बेस्ड इनपुट डिवाइस आप लोगों को पता है कि आप कंप्यूटर सिस्टम यूज़ करते हो जब डेस्कटॉप कंप्यूटर यूज़ करते हो उसमें कीबोर्ड का मेन फंक्शन होता है कीबोर्ड की हेल्प से ही आप कंप्यूटर को कमांड दे पाते हो उसके बाद वो डिस्प्ले होके आपको मोनीटर पर दिखती है तो अगर कीबोर्ड के बारे में ही आपको नॉलेज नहीं होगी तो आप कंप्यूटर पर काम ही नहीं कर पाओगे देन कीबोर्ड इज़ द मोस्ट कॉमन टैक्स बेस इनपुट डिवाइस सबसे मेन टेक्स बेस इनपुट डिवाइस है कंप्यूटर कीबोर्ड्स आर सिमिलर टू इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर की बोर्ड्स विद एडिशनल की कीबोर्ड को हम कह सकते हैं कि वो इलेक्ट्रॉनिक टाइप राइटर जैसा होता है इलेक्ट्रॉनिक टाइप राइटर होते हैं जो अलग से आपने कभी देखा होगा कभी कोर्ट में गए हो कोर्ट में भी बहुत लोग होते हैं ऐसे जो टाइपराइटर पर काम कर रहे होते हैं या कोई राइटर होता है वो भी इलेक्ट्रॉनिक टाइप राइटर का यूज़ करता है अपनी स्टोरी को लिखने के लिए तो एक कीबोर्ड जनरली हैज़ मोर देन हंड्रेड की एक जनरली uh, कीबोर्ड में हंड्रेड कीज़ ही होती हैं ईच की ऑफ कीबोर्ड बोर्ड टू ए सिंगल सिंबल। सम सिंबल रिक्वायर्स प्रेसिंग एंड होल्डिंग सेवरल कीज़ अ कुछ उसके अंदर जो कीज़ होती है उनको नॉर्मल प्रेस करना पड़ता है और कुछ कुछ कीज़ को होल्ड करके रखना पड़ता है और सेमेंटेनियसली प्रेस करना पड़ता है और कईयों को सिक्वेंस में रखना पड़ता है इट अलाउज़ एंट्रिंग एल्फ़ाबेट्स जैसे ये एग्जाम्पल दे रखा है सिक्वेंस का जैसे हम एल्ट एफ़ दबाते हैं या कंट्रोल वी दबाते हैं कंट्रोल सी दबाते हैं वो क्या है हमारी शॉर्टकट कीज़ हैं कंट्रोल को आपको प्रेस करके रखना होता है उसके बाद सी को प्रेस करना होता है कंट्रोल को प्रेस करके रखना होता है और फिर साथ में ही वी को प्रेस करना होता है तो ये सारी हमारी शॉर्टकट कीज होती हैं जो कीबोर्ड्स के अंदर ही यूज़ होती हैं तो इट अलाउज एंटरिंग अल्फ़ाबेट्स डिजिट कीबोर्ड की हेल्प से हम अल्फ़ाबेट को एंटर कर सकते हैं डिजिट को एंटर कर सकते हैं सिंबल्स को key can produce actions or computer command. Key press की प्रेस कैन प्रोड्यूस एक्शन और कंप्यूटर कमांड की प्रेस की हेल्प से कुछ एक्शन या कमांड प्रोड्यूस होती है जैसे कि हम मैंने आपको एग्जाम्पल बताया शॉर्टकट की ही ले लो हमने अगर कंट्रोल सी प्लस किया या कंट्रोल एक्स प्रेस किया कंट्रोल एक्स कट के लिए होता है तो वो टैक्स कट हो जाएगा कुछ कमांड प्रोड्यूस होगी

अ टच टाइपिंग नोज द लोकेशन ऑन द की बोर्ड थ्रो मसल्स मेमरी मसल्स मेमरी मतलब हम हाथों की मूवमेंट से ही अपनी फिंगर्स की मूवमेंट से ही पता लगा ले कि कौन सी फिंगर कहाँ पर है हमें बारी बारी कीबोर्ड पर देख कर उसको सर्च ना करना पड़े टच टाइपिंग टिपिकली इन्वॉल्व प्लेसिंग द एट फिंगर्स इन ए एर्जेंटल रो अलॉन्ग विद द मिडल ऑफ द की बोर्ड देखो इसमें एक होम रो होती है जिसमें हम मेनली एट फिंगर्स का ही यूज करते हैं लेफ्ट हैंड की राइट हैंड की लेफ्ट हैंड की फोर फिंगर्स और राइट हैंड की फोर फिंगर्स जो थंब होता है हमारा थंब हमेशा स्पेस के लिए यूज होता है ए टच टाइपिंग स्टार्ट्स बाय प्लेसिंग हिज और हर फिंगर्स ऑन द स्टार्ट पोजिशन इन मिडल रो एंड नोज विच फिंगर्स टू मूव एंड हाउ मच इन मूव इट टू फोर रीचिंग एनी रिक्वायर्ड की जब भी हम टाइपिंग स्टार्ट करते हैं हम अपनी फिंगर को हमेशा स्टार्ट पोजीशन पे रखते हैं स्टार्ट वो स्टार्ट पोजीशन क्या होती है मिडल रो होती है हमारे की की जहाँ से हमें पता लगता है कि फिंगर अब कहाँ पे मूव होगी इट इज़ इम्पोर्टेंट टू लर्न प्लेसिंग फिंगर्स इन द स्टार्ट पोजिशन ब्लाइंडली एज द हैंड्स आर फ्रिक्वेंटली रेज फ्रॉम की टू ऑपरेट इन द लाइन फीड लेवर और द कंप्यूटर माउस कंप्यूटर हमें उसके मूवमेंट की हेल्प से ही है हैंड की मूवमेंट की हेल्प से ही हम पता लगा पाते हैं कि हमने मूवमेंट कैसे करनी है जैसे माउस की मूवमेंट होती है टाइपिंग स्पीड जनरली इन्वॉल्व विद प्रैक्टिस और टाइपिंग की स्पीड ज़्यादातर हमें प्रैक्टिस से ही पता लग रहा है जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे टाइपिंग की उतनी ही हमारी टाइपिंग की स्पीड इंक्रीज़ होगी द टाइपिंग स्पीड कैन बी इंक्रीज़ ग्रेजुअली ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे होती है एंड स्पीड ऑफ सिक्सटी डब्ल्यू और हाइयर कैन बी अचीव डब्ल्यू का मतलब होता है वर्ड्स पर मिनट मतलब एक मिनट में हम अगर सिक्सटी वर्ड लिख पाते हैं तो इसका मतलब वो अच्छी टाइपिंग स्पीड है एक मतलब कि मिनट मिनट में क्या हुआ आपका सॉरी वर्ड्स पर मिनट एक मिनट में क्या हुआ सिक्सटी वर्ड्स एक मिनट के अंदर आपको सिक्सटी वर्ड्स अगर टाइप कर रहे हो तो इसका मतलब आपकी स्पीड अच्छी है द रेट ऑफ स्पीड इंक्रीज वेरीज बिटवीन इंडिजुअल वेल मनी वेबसाइट एंड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल टू लर्न टच टाइपिंग कुछ कई सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो टच टाइपिंग के लिए बनाए गए हैं फॉर एग्जाम्पल रैपिड टाइपिंग प्यूटर है इसको भी हम टच टाइपिंग टच टाइपिंग उसी को भी बोलते हैं कि बिना आपको की बोर्ड को देख के टाइपिंग को सीखना there are many such software available with a free of cost are customized to learn typing efficiently and effectively bahut sare aise software hain jo free of cost available hain aapko jiski help se aap easily touch typing efficiently aur effectively acche tarike se seekh sakte hain keyboards are also used for computer gaming keyboard ko hum game खेलने के लिए भी use करते हैं regular keyboards और by using keyboards with special gaming features क्योंकि इन keyboards के अंदर कुछ gaming features अच्छे होते हैं अब कीबोर्ड में कीज़ कौन सी होती हैं दो देर आर सेवरल इनपुट डिवाइसेस विज माउस टच स्क्रीन करैक्टर और वॉइस रिकॉग्निशन एक्सेट्रा यूज फॉर गिविंग इनपुट कीबोर्ड के अलावा भी बहुत सारे ऐसे इनपुट डिवाइस हैं जिसको हम यूज़ करते हैं जैसे माउस होता है टच स्क्रीन होती है वॉइस रिकोगनाइजेशन मतलब जो हमारी वॉइस को देख सुन पाता है उसको यूज़ कर पाता है इन सब की हेल्प से हम इनपुट देते हैं या एट द यूज़ ऑफ कीबोर्ड इज मोस्ट कॉमन मेथड लेकिन कीबोर्ड जो है सबसे मोस्ट कॉमन मेथड है इसकी हेल्प से ही हम इनपुट दे पाते हैं मेन जो कंप्यूटर को एक कंप्यूटर कीबोर्ड बोर्ड कंटेन्स द फॉलोइंग टाइप ऑफ की एक कंप्यूटर में बहुत टाइप की कीज़ होती हैं सबसे पहले होती है अल्फानुमेरिक की अल्फ़ानरिक की पंचुएशन की ओल्ट की एरो की शिफ्ट और ओल्ट की बैक स्पेस की कैप्सलोक कंट्रोल डिलीट एंटर एस्केप और फंक्शन हम एक एक करके इन सब के बारे में पढ़ते हैं सबसे पहले है अल्फ़ाबेट की अल्फ़ाबेट की होती है ए टू जेड एट से लेके जेड तक जितने लेटर्स होते हैं वो वाले की ठीक है और उसी के अंदर ज़ीरो टू नाइन कीबोर्ड में भी होते हैं नंबर की पंचुएशन की पंचुएशन की क्या होती है पंचुएशन की ये होती है जब आप सेंटेंस uh, लिखते हो उसके अंदर पंचुएशन यूज होती हैं कोमा पीरियड ये सेमिकोलन ब्रैकेट होती हैं जो करली ब्रैकेट्स होती हैं पैरथिसिस होती हैं प्लस माइनस के साइन होता है इक्वल का साइन होता है या फुल स्टॉप का साइन होता है तो ये सारे जो जितने पंचुएशन की इनको क्या बोल देते हैं पंचुएशन की ओल्ट की होती है इसको हम अल्टरनेट की बोल देते हैं इसको हमेशा दूसरी की के साथ ही यूज़ करके काम में लाया जाता है एरो की चार एरो की होती हैं हमारे कीबोर्ड पे फोर एरो कीज होती हैं अप डाउन राइट और लेफ्ट शिफ्ट और ओल्ट की इकट्ठी भी होती है शिफ्ट की भी होती है उसको भी हम कर्सर को मूव करने के लिए भी यूज कर सकते हैं और दूसरी कीज़ के साथ भी इसका जो होती है वो डिलीट करने के लिए होती है करक, को जस्ट टू लेफ्ट ऑफ द कर्सर मतलब कि जो आपका करेक्टर होगा जैसे मान लो मेरा यहाँ पे मैंने कर्सर है मेरा कर्सर यहाँ है दी के बाद अगर मैं बैक स्पेस प्रेस करती हूँ तो वह इधर से डिलीट करती जाएगी वो बैक स्पेस की मतलब अगर मैं दी के बाद कर्सर रखा है तो दी डिलीट होगा फिर डिलीट्स डिलीट डिलीट दिली, होगा लेकिन अगर एक किसके अंदर की होती है डिलीट की डिलीट की का क्या इसमें थोड़ा क्या डिफरेंस रहता है बैक स्पेस और डिलीट की में अभी मैंने बताया बैक स्पेस की जैसे हमने यहाँ पे कर्सर रखा है बैक स्पेस की से क्या होगा जो ये लेफ्ट साइड के हैं ये सारे डिलीट हो जाएंगे लेकिन अगर डिलीट की को प्रेस करेंगे तो जहाँ कर्सर होगा उसके आगे के डिलीट होंगे जैसे अगर मैंने यहाँ कर्सर रखा डिलीट की प्रेस प्रेस की तो करेक्टर जस्ट ये डिलीट होंगे तो कैप्सलो की क्या होती है कैप्स्लो की हमारी एक तरह से टोगल की होती है जो हमारे अल्फाबेट्स को अपर केस से अपर केस से लोअर केस में चेंज करती है अगर हमने अपर केस ऑन कर कैप्सुलो को ऑन कर रखा है तो अपर केस में होगा तो दोबारा से कैप्सुलो को ऑन किया है तो दोबारा से वो लोअर केस में हो जाएगा कंट्रोल की होती है इसको हम कंजक्शन की के साथ कंजक्शन की के साथ भी यूज़ कर सकते हैं ये कंट्रोल करने के लिए होती है करेक्टर को इसके लिए इसको हम मेन शॉर्टकट की बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं द मीनिंग ऑफ हिच कंट्रोल करेक्टर डिपेंड्स ऑन विच प्रोग्राम इज़ रनिंग इसका काम हर एक दूसरी की के साथ ही इसको यूज़ करके हम करते हैं जो मेन हमारे प्रोग्राम को रन करने के लिए यूज़ होती है जैसे शॉर्टकट की बनाते हैं हम ज़्यादातर कंट्रोल का यूज़ करके बनाते हैं कंट्रोल एक्स कंट्रोल सी कंट्रोल वी डिलीट की मैंने आपको बताया ही है अभी कि बैक स्पेस और डिलीट की में क्या डिफरेंस रहता है नेक्स्ट है एंटर की एंटर की और रिटर्न की क्या डिफरेंस रहता है इट इज टू एंटर कमांड्स और मूव द कर्सर टू द बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे तो वो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा एंटर की को हम रिटर्न की भी कहते हैं एस्केप की क्या होता है एस्केप की इज यूज टू सेंड स्पेशल कोर्स डिवाइस एंड टू एग्जिट फ्रॉम द प्रोग्राम एंड टेस्ट मान लो हमने कोई कोई किसी टाइप का प्रोग्राम खुल गया है तो हमने उसे बाहर आना है तो उसके लिए हम एस्केप की का यूज़ करते हैं फंक्शन की फंक्शन की हमारे पास ट्वेल्व फंक्शन की होती हैं एफ वन टू एफ ट्वेल्व इन कीज़ का अलग अलग काम होता है ये डिपेंड होता है कौन सा प्रोग्राम किस टाइप से रन हो रहा है किसी की का अलग काम होता है एफ वन का जैसे अलग फंक्शन है एफ टू का अलग अलग फंक्शन है तो ये अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कराने के लिए यूज़ होती है मैंने की इस प्रेस्ड एन इलेक्ट्रिकल कंटेक्ट इज होम दिस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड टू अ माइक्रो कंट्रोलर देखो जब भी हम की को प्रेस करते हैं तो उसमें से इलेक्ट्रिकल सिग्नल निकलते हैं जो तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो होते हैं वो माइक्रो कंट्रोलर के द्वारा कोड किए जाते हैं कंप्यूटर को कंप्यूटर उनको अपनी लैंग्वेज में समझता है कंप्यूटर की लैंग्वेज क्या होती है डिजिटल लैंग्वेज डिजिटल मतलब जीरो और वन की फॉर्म में द तो करेक्टर विच कोरोस्पॉन्ड टू द की जो भी हमने कीबोर्ड से जो प्रे, प्रेस करी हैं की हमने जैसे ए बी सी डी तो वो हमारी जो प्रेस होने के बाद उसमें से क्या निकलेगा उसमें से सिग्नल्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ट्रांसमिट होंगे जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ट्रांसमिट होकर माइक्रो कंट्रोलर के पास जाएंगे इन्हें कोडेड फॉर्म कोडेड फॉर्म कंप्यूटर की लैंग्वेज में और उसके बाद कीबोर्ड्स आर यूज्ड टू टैक्स बेस्ड लेकिन जो कीबोर्ड है वो जो टेक्स बेस्ड सॉफ्टवेयर है तो जो मॉडर्न जीयूआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है एप्लीकेशन है और पॉइंटिंग डिवाइस है ये सारे हमारे जो इनपुट एज ए कीबोर्ड काम करता है तो ये काम कैसे करेगा मैंने आपको जैसे बताया है जैसे ही हम की प्रेस करेंगे उसमें से इलेक्ट्रिकल सिग्नल निकलेगा तो वो ट्रांसमिट होकर हमारे कोडिट फॉर्म में कंप्यूटर के पास जाएगा कंप्यूटर उसको डिजिटल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके उसको समझेगा और उसकी स्ट्रोक्स को मीनिंग देगा मतलब उसको डिस्प्ले करवाएगा मोनिटर के ऊपर जी का मतलब क्या होता है बच्चों देखो जो पहले टाइम में हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते थे वो सी होते थे करेक्ट यूजर इंटरफेस जो अब ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कौन से ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पहले के ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम क्या होता है जो विडो यूज होती है हमारी विंडो नाइन्टी फाइव विडो नाइनटी एट विंडो है जो आपके उसमें एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो आपके फोन में होता है आजकल ये सारे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं तो जो पहले के ऑपरेटिंग सिस्टम थे वो सी यू आई थे करेक्टर यूजर इंटरफेस कहने का मतलब वो क्या थे करैक्टर यूजर इंटरफेस का मतलब वो हमारे करैक्टर पे बेस्ड होते थे उसमें हम इमेज वीडियो ऑडियो वगैरह नहीं देख पाते थे लेकिन जो आज के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो जी आई बेस्ड है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इसमें इमेज ऑडियो वीडियो सब हम देख पाते हैं ठीक है तो ये तो था हमारा कीबोर्ड के बारे में नेक्स्ट हम अलग नए सेशन में पढ़ेंगे आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा थैंक यू हैव ए नाइस डे